हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित, आप देख रहे हैं अमित टेक रिपेयर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जियो फ़ोन को जो फुल शॉर्ट है यानी डेड प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस फ़ोन में फुल शॉर्ट होने की वजह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं प्लस और माइनस यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव टच किया और यहाँ पर रीडिंग, यहाँ पर बीप के साथ रीडिंग आई लगभग 50 के करीब। तो चलिए हम इसको कैसे फाइंड करेंगे और किस तरीके से इसको हम फिक्स करेंगे, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। उससे पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ डीसी पावर मशीन से। तो यहाँ से मैंने डीसी सप्लाई दे दिया। अब मुझे चेक करना है किस सेक्शन में यहाँ पर हीट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ इस सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब यहाँ पर मुझे चेक करना है कि ये जहाँ जिस सेक्शन पर हीट हो रहा है, अब मुझे क्या करना है, वहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट लगाना है। तो पेस्ट लगाने के बाद हमें वहाँ पर फिर से वापस से पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर देखना है कि यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट जो है यहाँ पर हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर डीसी मशीन को कनेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कहाँ पर ये हीट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर टच किया तो फ्रेंड मुझे प्रॉब्लम यहाँ पर मिल गई है। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैपेसिटर है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो वहाँ का जो हमारा पेस्ट है वो मेल्ट हो रहा है काफ़ी तेज़ी के साथ। तो चलिए हम इसको करीब से आपको दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे ही ग्राउंड को टच करेंगे यानी माइनस को ग्राउंड से टच करेंगे, तो आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, ये चीज़ आप नोटिस करिए, जो कैपेसिटर यहाँ पर है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये जो कैपेसिटर है देख सकते हैं, ये इसमें हीट निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा धुआं भी उड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो ध्यान से देखिए, ये रहा कैपेसिटर। तो ये हमारा कैपेसिटर है जो कि शॉर्ट है, इसकी वजह से हमारा फ़ोन डेड है। ये फ़ोन जो जियो का है फुल शॉर्ट है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर करने वाले हैं इस कैपेसिटर को निकाल देंगे, क्योंकि कैपेसिटर अगर ना रहे तो भी हमारा फ़ोन चलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई और कंपोनेंट होता तो हमें वहाँ पर चेंज करना पड़ता सेम वैल्यू का। तो यहाँ पर हमारा कैपेसिटर है, तो हमें अगर इसे निकाल दूँ तो भी हमारा फ़ोन चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारा कैपेसिटर, हमने इसको बाहर निकाल लिया है। तो अभी फ़िलहाल हम चलिए यहाँ पर फिर से वापस से रीडिंग चेक कर लेते हैं, क्या हमारा जो रीडिंग बीप के साथ 50-60 रीडिंग आ रही थी वो नॉर्मल हो गया कि नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो हम मल्टीमीटर को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम कनेक्ट करने वाले हैं अपने फ्रॉक को। तो सिंपल से सबसे पहले मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ, इसको बीप के रेंज में रखेंगे और यहाँ पर माइनस को ग्राउंड हो या प्लस पे प्लस, आप देख सकते हैं अराउंड, आप देख सकते हैं 17-18 मतलब कि हल्की सी हाफ स्टार्टिंग है, बहुत ना के बराबर, इतने में फ़ोन हमारा ऑन हो जाना चाहिए। अब रिवर्स वाइज देखें इसका रीडिंग तो भी सही है, 312 अराउंड आ रहा है, इधर से हमारा 1800 से 1700, तो अराउंड मेरा जो फ़ोन है ये ऑन हो जाएगा, तो मुझे पक्का यकीन है। तो चलिए फ़िलहाल चेक कर लेते हैं ये ऑन होता है या नहीं, अगर ऑन होता है तो पूरी तरीके से पूरा ऑन हो रहा है या नहीं, इसको भी चेक कर लेना है फ्रेंड। उससे पहले पेस्ट को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है और अच्छे तरीके से साफ यानी कि सफाई कर लेनी है इसकी। अब चलिए यहाँ पर मैं इसको बैटरी को कनेक्ट करूँगा और बैटरी कनेक्ट करने के बाद इसको हम बूट करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने बैटरी कनेक्ट किया, पावर बटन प्रेस किया और ये रहा। तो फ्रेंड थोड़ी बैटरी हिल गई, फिर दोबारा से मैं ट्राई करता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा जो जियो का फ़ोन है ऑन होना शुरू हो गया है। तो कुछ इसी तरीके से आप भी अपने डेड फ़ोन पर अगर फुल शॉर्ट है तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के बाद उस प्रॉब्लम को बड़े ही आसानी से कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, आपका कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।